नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN3। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के पूरनपुर भाजपा विधायक बाबूराम पासवान के सगे चचेरे भाई की पीट पीट कर दबंगों ने निर्मम हत्या कर दी। आरोपियों ने धारदार हथियार से युवक पर जमकर प्रहार किया। पथराव में गर्भवती महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हत्या के बाद भारी पुलिस बल गांव में तैनात कर दी गई है। वहीं हत्या करने वाले दो आरोपियों को घुंघचियाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं दो आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता के साथ देखें ये रिपोर्ट। देखो जो होना था वो हो चुका, ठीक है। और ये दोष मेरा है कि मैं मौके पे नहीं आ पाया, ये दोष मेरा है। अगर आपको मारना पीटना मुझे मारिए पीटिए, मेरी गलती है कि मैं यहाँ मौके पे नहीं आ पाया। देर मार। नाम है आपका? राम साई। कहाँ के रहने वाले हैं? उधर है। कौन है? तो क्या घटना हुई यहाँ पे? हमारी भतीजी है, उसे खींचे ले जा रहे हैं, 14 तारीख में भजवाई। आपने पुलिस से शिकायत की थी? हाँ, करी। पुलिस ने कार्रवाई की? कार्रवाई कर ले, लेकिन सुनी ना हमारी लोगों ने कतई। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस उनके घर तक ना गई एक बार देखन थे। तो आज क्या घटना घटी है फिर? आज ये लड़की के लिए खींचन आए तो हमने लोगों ने रोको, तो इनने हमारे बाबे मार दिए। कौन कौन लोग थे? महेंद्र थे, राम कुथो, सर्वेश और जय और दीपक और एक मीना का लड़का था। आज ग्राम उधार में एक झगड़ा हुआ जिसमें एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। उसमें परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। 5 लोगों पर नामजद मुकदमा लिखा गया है, 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अन्य सभी विधि कार्रवाई कराई जा रही है। सर, मृतक के सज्जनों को आरोप था कि पुलिस से शिकायत की गई थी, इसके बाद भी समय रहते को कार्रवाई जी वो दूसरा एक प्रकरण था, उसमें दोनों पक्षों से तहरीर आई थी। वो दूसरा एक प्रकरण था, ये प्रकरण दूसरा था, और इसमें भी जो भी कार्रवाई है वो पूरी तरीके से की जा रही है।